हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। मौसम का मिजाज तो हर रोज़ चेंज हो रहा है, ऐसे में सभी की तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ सभी अपना ध्यान रखें। और ऐसे ठंडे ठंडे से मौसम के लिए ही कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना। और आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सुबह का टाइम सभी के लिए बहुत ही भागदौड़ भरा होता है, तो ऐसे में एग सैंडविच बहुत ही क्विक रेसिपी है। अनी ने बोला था कि उसको एग सैंडविच लेके जाना है, तो मैंने यहाँ पे दो एग बॉईल किए हैं और उसको मैश कर लिया है अच्छे से। और उसमें आप टमाटर, प्याज, मिर्च और जो भी वेजिटेबल आप डालना चाहते हैं इसमें डाल के मिक्स कर लें। ब्रेड पे लगा लें बटर, और आपके पास अगर मेयोनी या फिर चटनी वगैरह है तो वो भी लगा लें। मैं यहाँ पे अनी के लिए कुछ भी नहीं लगाऊंगी, बस बटर लगाऊंगी और एग जो फिलिंग है वो फिल कर दूंगी, और बस हमारा सैंडविच झटपट से तैयार हो जाता है और बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी लगता है। अनी अपने पापा के साथ स्कूल चले गए और केली और मैंने देखा कि बैकयार्ड में कुछ हो रहा है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोरनियाँ बैठी हुई थी और एक मोर उनको डांस दिखा रहा था, तो हमने सोचा कि ये तो बड़ा ही अच्छा मौका है ये कैप्चर करने का। बाउंड्री वॉल पे कम से कम 10 मोरनियाँ बैठी होंगी और आसपास भी नीचे भी थीं, और उन्होंने जैसे ही देखा कि कोई आ रहा है तो वो धीरे धीरे निकल ली, लेकिन मोर अपना डांस करना नहीं छोड़ रहा था। उसे लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बात हो गई कि ये सारी की सारी मोरनियाँ मेरा डांस नहीं देख रही हैं। तो आप भी देखिए और कितना सुंदर इसने डांस। केली को सुलाने के बाद हो जाता है लंच का टाइम, तो आज बन रही है आलू गोभी की सब्जी और बनाऊँगी पालक के पराठे साथ में। गोभी की सब्जी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं अगर सूखी सूखी सी सब्जी बनाई जाए, तो मैं वही बनाऊंगी। और रोटी बनाना चाहे तो आप रोटी भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है पालक की। इस बहाने जो बच्चे नहीं खाते हैं हरी सब्जियां, वो सब्जियां ये सब पालक मेथी वगैरह उनको पराठे या रोटी बना के दो तो वो सब खा लेते हैं। और सर्दियों में साग जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उनका क्या बनाया जाए, या तो फिर साग बनाओ, साग भी डेली अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह से आप पराठे या फिर रोटी वगैरह बना के खा सकते हैं। सब्ज़ी हमारी लगभग तैयार हो गई है और इसमें बाद में मैंने टमाटर ऐड किए हैं, और अब पराठे बना लेते हैं। गरम गरम पराठे हों और गर्मा गर्म सब्ज़ी, तो सर्दी के मौसम में तो मज़ा ही आ जाता है, खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। केली की एज के बच्चों को सो के उठने के बाद कुछ खाने को चाहिए, तो उनको जब खाना तैयार मिलता है तो वो रोते धोते नहीं है और आराम से खा भी लेते हैं। तो हमारा लंच तैयार हो गया और बहुत ही टेस्टी लगता है, और आप भी इसे ट्राई करना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए लंच कर लेते हैं, और अगर आपका खाने का मन कर रहा है तो आप भी आ जाइए। लंच वगैरह के बाद मैं अनी का कराती हूँ होमवर्क, और होमवर्क कराने के बाद उसका एक शो आता है तो वो मैं चला देती हूँ टीवी उसके लिए, और वो थोड़ी देर वो शो देखता है। कैसे करेंगे इसको? हाँ, बताइए। अरे हाँ। मैंने तो यहाँ पे खींची ना वही। कैसे करेंगे इसको? चार नंबर लिखे करेंगे, देखो। हाँ। जैसे ये वन लिखा है, हाँ। तो यहाँ पे वन लाइन करेंगे। ओके। जैसे ये टू लिखा है, हाँ। यहाँ पे भी टू लिखेंगे। ओके। लाइन लिखेंगे। ओके, समझ गए। चलो तो हम लोग कर लेते हैं वर्क। ओके ओके। केली भी, आपको भी। हैंग कर दिया ऐसे। अच्छा, अभी और केली क्या कर रही है इस टॉय गुड को लेके? इस टॉय गुड को लेके केलू क्या कर रहा है? डिश कर दिया। ओ माय गॉड, ऐसे डिश होएगी ये? डिश ऐसी लड़ाई, डिश आओ, ऐसी लड़ाई। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट पाउडर, क्योंकि मेरे बच्चों का ड्राई फ्रूट पाउडर ख़त्म हो गया है, और जो हमने ये ड्राइड खजूर लिए हैं इनको छुआरे बोलते हैं, तो इनसे मैं सीड्स अलग कर लूँगी और फिर
जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं एक एक करके उनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी, और मखानों को कुछ ऐसे रोस्ट करना है कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, उनमें से नमी निकल जाए और वो आराम से जब फूट जाए आपके हाथ से दबाने पर, तो समझिए कि आपके मखाने तैयार हो गए हैं, बिल्कुल रोस्ट हो गए हैं अच्छे से। और फिर आप इसको मिक्सी में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, थोड़े से ठंडे हो जाएं तब इसको ग्राइंड करना है। और इसके बाद मैं कर लेती हूँ, तब तक और भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे बादाम, उसको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। वैसे तो ठंड का मौसम है तो अभी सारे ड्राई फ्रूट्स लगभग सूखे सूखे ही रहते हैं, ड्राई ही रहते हैं, कोई ज़्यादा नमी नहीं रहती है। तो या तो आप इन्हें धूप दिखा दीजिए, और नहीं तो फिर आप गैस पे इसको अच्छे से इसको रोस्ट कर लीजिए। और जितने भी आपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने हैं सबको अलग अलग ही करना है सेपरेट, क्योंकि सबका टेम्परेचर सबको अलग अलग चाहिए होता है। जैसे बादाम है उसको थोड़ी ज़्यादा देर तक रोस्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने मखाने का तो पाउडर बना लिया है, और हल्का सा हम जो ये अखरोट हैं उनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और जब तक ये जो हमारे नट्स हैं वो थोड़े से और ठंडे हो जाएं, उसके बाद इनको हम पीसेंगे, तब तक जो हमने मखाने का पाउडर बनाया था उसको एक छलनी की हेल्प से उसको छान लेंगे, तो जो मोटा मोटा सा जो पीस होंगे वो अलग हो जाएंगे, उनको हम बाद में फिर से ग्राइंड कर लेंगे। बड़े बच्चे तो ड्राई फ्रूट्स आप उनको दीजिए तो वो खा लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चॉकिंग का डर रहता है, तो इसलिए आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना उनको आप रोस्ट करके इसी तरह से पाउडर बना के रख लीजिए। और जब पाउडर आप बनाएंगे, मखाना था उसको मैंने अलग से ग्राइंड किया है, बादाम को अलग से किया है, और ये जो थोड़ी सी चीज़ें थी जैसे अखरोट, काजू और छुआरे, उनको मैंने एक साथ कर लिया है। तो नट्स ऐसे ही बिना पिसे रह जाते हैं, आप उनको अलग करके रख लीजिए। हलवे या कोई भी चीज़ आप ऐसी डाल रहे हैं जिसमें बना रहे हैं जिसमें हम काट के डाल सकते हैं, तो उसमें चॉप करके डाल सकते हैं उन्हें। और जो ये ड्राई फ्रूट पाउडर है ये बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए, तो आप इनको बच्चों के लिए जो भी चीज़ बनाएं उसमें ऊपर से आप ये ड्राई फ्रूट पाउडर डाल सकते हैं। तो लीजिए, हमारा ड्राई फ्रूट पाउडर भी बनके तैयार हो गया है। और बस आज के वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।